आई बाबू देखिए, तो देखिए रेडी, तो देखिए अब तो देखिए आप समझ गए होंगे कि 100% हम लोग का एग्जाम क्या है बाबू, ऑफलाइन है। कल तो आपको हमसे कम बताए थे, आज पूरा कोई गवर्नर वायरल हो गया हजर है ना, अब सबको पता चल गया कि ऑफलाइन ही एग्जाम हो। आप भी अपने कॉलेज में भी सुनेंगे, आपके लिंक में भी कोई टीचर दूसरा होंगे तो आप उनसे भी सुनिएगा, हजर है ना, अगर उनको पता होगा तो। ये भी एक बात है कंडीशन, हजर है ना, कि एग्जाम जो हम लोग का होना है 3 और 5 का एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, हजर है ना। अब मान लिया कोविड का केसेस बहुत स्पाइक में चला गया, बहुत हाई हो गया, तब तो बात अलग है, वो अलग सिचुएशन है, उसके लिए गारंटी तो गवर्नमेंट भी नहीं लेता, बट नॉर्मली हम लोग का होगा। कोई छाप नहीं है, हम लोग क्लासेस देंगे, जैसे दिसंबर में जाएंगे ना, दिसंबर में क्लासेस आपका और बढ़ा देंगे, आपको हम कम्प्लीट करा देंगे पढ़ाई, समझे ना, हम आपको इतना पढ़ाई कम्प्लीट करा देंगे आपको 50-60% आराम से मार्क्स आ जाएगा, मार्क्स पेपर तो पूरा वही रहेगा जो पढ़ाएंगे, लेकिन 50 मार्क्स की बात कर रहे हैं, मार्क्स समझे ना, तो आप भी एफर्ट देना शुरू करिए, हम तो इतना से एफर्ट दे ही रहे, अब थोड़ा आप लोग भी एफर्ट दे दीजिए, बस समझे ना, जो जो चैप्टर होते जा रहा है उसको कम्प्लीट साथ साथ कर दे जाएंगे, बस समझे, उसके बाद आपको मॉडल पेपर, क्योंकि अभी इतना टाइम हम लोग पास नहीं है कि पहले पूरा कम्प्लीट करेंगे हम लोग, फिर एक महीना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, नहीं, जो करना है ऑन द स्पॉट करते जाना, समझ लेना, धड़ाधड़ कंप्लीट होता जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग भी कंप्लीट करते जाएंगे, समझे आप, और धीरे धीरे क्लास को भी बढ़ा देंगे, कुछ दिन बाद 7 दिन कर देंगे, समझे ना। देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, अच्छा, और देखिए तो टॉपिक को स्टार्ट करें, आज का टॉपिक है हम लोग का, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बाय बाय, एक खुशी का खबर आपको बताते हैं। देखिए बुरा खबर तो सुन लिया कि एग्जाम ऑफलाइन होना है, खुशी का खबर यह है कि सीयू बोल रहा है कि हम लोग 2020 वाला ही पैटर्न फॉलो करेंगे, तो वजह से इसमें खुशी का बात क्या, खुशी का बात है, आपको पेपर 2020 का भेजेंगे, आप देखिएगा 20 का पेपर में खूबी क्या है, ऑप्शंस ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन करना रहेगा, 10 मार्क्स का 4 क्वेश्चन करना रहेगा, 8 तो क्वेश्चन देगा, ये जैसे अंडर राइटिंग कर रहे, बाय बैक कर रहे, प्रेफरेंस चेक कर रहे, सब आ रहा, जो चैप्टर हमको आएगा वही हम करेंगे, असल में क्या बोले 8 ऑप्शन है, 8 में से जो चैप्टर आपको इजी लगे, एनी 4 विच यू फील कंफर्टेबल, वो चैप्टर अटेम्प्ट कर लीजिए, ये 2020 का पेपर में यूनिक था, तो ऑनलाइन एग्जाम था, तो जो लोग ऑनलाइन एग्जाम दिया उसको फील कहां से हुआ, हम लोग एग्जाम दे रहे तो हम लोग को फील हुआ कि इतना इजी है, क्या क्या 8 क्वेश्चन है, 8 में से कोई 4 करने बोला, और ग्रुप बी में वो लोग क्या करता है, सी ऑनलाइन का पैटर्न है, ग्रुप बी में क्या करेगा, चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन देगा, 20-20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे एक तो शेयर वाला सम दे दिया, एक तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए दे दिया, चारों में से जो आपको इजी लग रहा आप कर लीजिए, तो मेरा फायदा क्या है, फायदा यहाँ पे ये है कि जो आप अभी 15 मार्क्स के लिए पढ़ रहे, जो आप अभी 10 मार्क्स के लिए पढ़ रहे, वही सम्स आपको 20 मार्क्स में बनाने के लिए दे रहा, तो क्या करा अभी सब, उतना ही सम्स बना के हम 20 मार्क्स दे रहे, उतना ही सम्स बना के पहले 10 मार्क्स ले देते, तो 4 ऑप्शन में से 4 में से 2 करना रहेगा, उधर आपका 8 ऑप्शन में से 4 करना रहेगा, तो टोटल जितना 12 चैप्टर हुआ ना, तो 10-12 चैप्टर जितना भी है उसमें से आपका समझिए 5-6 चैप्टर भी अगर आप अच्छा से करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, समझ रहे। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं बाबू, तो बाय बैक ऑफ शेयर में आज से स्टार्ट कर रहे हैं इस बैच में, बाय बैक भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय बैक गाइस, बाय बैक का मतलब होता है जैसे कंपनी अपना शेयर बेच दिया था, कंपनी अपना शेयर किसी और को बेच दिया था और वो इंसान से फिर कंपनी शेयर खरीदना चाहता है, कंपनी ने एक बार शेयर बेचा फिर वही शेयर को खरीद लिया, सो द बाय बैक, बाय बैक, बाय और बाय बैक मतलब क्या हो गया, परचेजिंग योर ओन शेयर, अपना शेयर को खुद से खरीद लेना, अपना शेयर को फिर से खरीद लेना, जब आप अपना शेयर को फिर से खरीद लेंगे सो क्या बोलेंगे बाबू, बाय बैक, क्या बोलेंगे बोलिए, बाय बैक, अपना शेयर को आप खुद से खरीद लेंगे तो क्या बोलते बाबू, बाय बैक, जैसे हम अपना मोबाइल आपको बेचे थे फिर हम वही मोबाइल उनसे वापस ले लिए, उनसे खरीद लिए, ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए परचेज नहीं है, ये मेरे लिए क्या हो, बाय बैक, क्या बताइए, बाय बैक, बाय बैक का मतलब होता है दोस्तों जब आप अपना शेयर फिर से खरीदते हो, अपना शेयर फिर से खरीदते हो, इसको हम लोग कहते हैं बाय बैक, क्या कहते हैं बच्चों, बाय बैक, बाय बैक मीन्स बाइंग बैक योर ओन शेयर्स, अपना शेयर को फिर से खरीदना, अपना शेयर को खरीद लेना, इसको बोलते हैं हम लोग बाय बैक, लिखिए इसके बारे में, थ्योरी क्लास पहले लिख लीजिए, देखिए हो गया,
क्या लिखे होता है ये, बायबैक मीन्स, लिखिए पॉइंट नंबर वन, बायबैक मीन्स बाइंग बैक द ओन शेयर्स, बाइंग बैक द ओन शेयर्स। अच्छा ठीक है बाबू, बहुत इजी है, ध्यान से सुनोगे समझ आएगा। तो बायबैक मतलब हो गया अपना शेयर को खरीदना। अब आप हमको बताइए, अगर हम अपना शेयर को खरीदेंगे तो मेरे पास क्या क्या तरीका है? तो अपना शेयर को खरीदने के लिए कंपनी के पास बहुत तरीका है। एक क्या है, कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम से खरीद सकता है, कंपनी अपना शेयर को फिर से खरीद सकता है। तो कंपनी के पास अपना शेयर को खरीदने का क्या क्या तरीका है? कंपनी के पास अपना शेयर को खरीदने का बहुत सारा तरीका है। क्या क्या तरीका है वो लिखिए पॉइंट नंबर टू में, एज पर सेक्शन 68 सब सेक्शन वन, ऐसे एज पर सेक्शन 68 सब सेक्शन वन, देखिए एज पर सेक्शन 68 सब सेक्शन वन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्शन 68 ऑफ द सेक्शन 68 सब सेक्शन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स, कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम, फ्रॉम लिख के पैराग्राफ चेंज, पॉइंट नंबर वन फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व आराम से लिखिए, सिर्फ ये ले लीजिए सुविधा, फ्री रिजर्व, पॉइंट नंबर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पॉइंट नंबर थ्री प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर्स प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या बोले तो, अब हम जब बायबैक करेंगे, बायबैक मतलब जब हम शेयर फिर से खरीदेंगे, तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा ना जी, तो पैसा जब आपको चाहिए होगा तो पैसा कहां से लाइएगा? तो बोला आप बायबैक कर सकते हो, कहां कहां से कर सकते हो? एक बायबैक आप कर सकते हो फ्री रिजर्व से। सर फ्री रिजर्व मतलब, फ्री रिजर्व वो होता है जिसको आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। अब फ्री रिजर्व का एग्जाम्पल होता है जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, ये दोनों फ्री रिजर्व है, इसको आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको बायबैक करना है उसके लिए पहला सोर्स क्या है, फ्री रिजर्व। दूसरा थोड़ा इधर आ जाइए ना के सर, देखो दिक्कत बताओ बेच मारिए, थोड़ा कर बस। ओके देखिए अभी से ध्यान दीजिए, तो फ्री रिजर्व कहां कहां से कर सकते हैं आपू? एक तो फ्री रिजर्व से पैसा निकाल सकते हैं आप, दूसरा कहां से कर सकते हैं, एसपी से। सर एसपी मतलब होता है दोस्तों सिक्योरिटीज प्रीमियम से। और तीसरा जो तरीका है आपका पास वो है प्रोसीड्स ऑफ एनी सिक्योरिटीज, प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड ये सब बेच करके भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी बायबैक करने के लिए क्या क्या यूज किया सकता है ध्यान दीजिएगा, बायबैक करने के लिए हम फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, रूल्स को ध्यान से सुनिएगा अभी समझ में आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं और प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोसीड्स मतलब कमाई, जैसे शेयर बेचे वहां से पैसा आया ये हो गया प्रोसीड्स, प्रिफरेंस शेयर बेचे वहां से पैसा आया ये हो गया प्रोसीड्स, इक्विटी शेयर बेचे वहां से पैसा आया ये क्या हो गया वो प्रोसीड्स। तो जल्दी बताइए बायबैक मतलब दूसरा का शेयर खरीदना अपना शेयर खरीदना? बोलो अपना। यस, जब आप अपना शेयर को खुद से खरीदोगे फिर से खरीदोगे इसको क्या बोलते हैं, बायबैक। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो ना क्या बोलते, बोलिए बायबैक बोलते हैं। और बताइए बायबैक करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? आई कैन यूज द फ्री रिजर्व यस और नो, आई कैन यूज द सिक्योरिटीज प्रीमियम यस और नो, और आई कैन यूज द प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज यस और नो। सर सिक्योरिटीज शेयर डिवेंचर बॉन्ड ये सबको सिक्योरिटी वर्ड से इंडिकेट किया जाता है, तो प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज समझे आपको, ये पूरा कहानी था, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा लेकिन ना पॉइंट नंबर थ्री में लिखिए
लिखिए पॉइंट थ्री लिखिए, द प्रोसीड्स ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, द प्रोसीड्स ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज cannot be used, the proceeds of same kind of securities cannot be used to buy back, करने के लिए, buy back के purpose के लिए आप securities premium जो होता है, buy back के purpose के लिए आप सेम काइंड का सिक्योरिटीज को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या बोले तो 2099, जैसे मान लीजिए हम जुरेगा, जैसे मान लीजिए हम प्रिफरेंस शेयर को बाई बैक करें, एग्जाम्पल दे रहे, तो उसके लिए प्रिफरेंस शेयर का पैसा यूज नहीं कर सकते। प्लीज समझिए, प्रिफरेंस शेयर को अगर बाई बैक करें तो प्रिफरेंस शेयर का पैसा यूज होगा नहीं, तो अगर आप इक्विटी शेयर को बाई बैक कर रहे तो इक्विटी शेयर का पैसा यूज कर पाएंगे नहीं। इक्विटी शेयर को बाई बैक करने के लिए आपको प्रिफरेंस शेयर बेचना होगा, प्रीफरेंस शेयर को बाई बैक करने के लिए आपको क्या बेचना होगा, इक्विटी शेयर। मतलब बोला गया है, रूल लिखा हुआ है कि सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी जो होता है, मतलब इक्विटी शेयर को बेच के इक्विटी शेयर को बाई बैक करना ये अलाउड नहीं है, प्रीफरेंस शेयर को बेच के प्रीफरेंस शेयर को बाई बैक करना ये अलाउड नहीं है। तो सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वही हमने आपको इसमें लिखवाया है कि अगर आप इक्विटी शेयर बेच रहे हैं तो इक्विटी शेयर बेच के इक्विटी शेयर बाई बैक नहीं होगा, प्रिफरेंस शेयर बेच रहे हैं तो प्रिफरेंस शेयर बेच के प्रिफरेंस शेयर बायबैक नहीं होगा। देखिए कॉर्पोरेट अकाउंट जो है कंपनी अकाउंट से, पूरा कंपनी लॉ से चलता है, कंपनी लॉ में जो बोला उसको फॉलो करके हम लोग अकाउंट्स बना लेने गए, समझे? तो कंपनी अकाउंट्स को फॉलो करके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा हम लोग बनाने जा रहे हैं, समझे बाबू? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए आपका दोस्त खास तो देखिए क्या बोला, समझे बाबू? तो बायबैक करने के लिए, ध्यान से सुनेगा, तो बायबैक करने के लिए बच्चों ये यूज नहीं कर सकते, इतना बात को भाई ये रूल है। पहले हमको बताइए बायबैक मतलब दूसरा का शेयर खरीदना ना अपना शेयर खरीदना, दूसरा का शेयर खरीदना। उसके बताइए जब आप बायबैक करते हो, जब आप बायबैक करोगे तो बायबैक पर्पस के लिए क्या आप फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं? फ्री रिजर्व कितना चाहिए था, दो चीज, एक तो आता है जनरल रिजर्व, एक तो आता है पीएल नॉर्मली, और सिक्योरिटीज में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। और क्या हम शेयर बेच सकते हैं बायबैक करने के लिए? बेच सकते हैं, लेकिन क्या बोली तो सेम काइंड का शेयर नहीं, सेम काइंड का शेयर है, मतलब इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए आप इक्विटी शेयर नहीं बेच सकते, प्रिफरेंस शेयर को बायबैक करने के लिए आप प्रिफरेंस शेयर नहीं बेच सकते। समझ रहे क्या बोले हम? इक्विटी शेयर को बायबैक करना है तो प्रिफरेंस शेयर बेचिए, प्रिफरेंस शेयर को बायबैक करना है तो इक्विटी शेयर बेचिए। समझे बच्चों? इतना रूल को खाली याद रखने का है, ये थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि सम्स वाला चैप्टर है, इसमें थ्योरी आता ही नहीं, क्योंकि मेरे गांव में रहता है ऑप्शन में, लेकिन करना उचित नहीं थ्योरी, क्योंकि फायदा नहीं करके तो मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए सम्स करेंगे अब, तो जनरल एंट्रीज पहले बताते हैं फिर आपको सम्स स्टार्ट कर देंगे कराना। तो बच्चों आओ देखो बोर्ड में ध्यान दो, जर्नल एंट्रीज, जर्नल क्या बच्चों? एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज हेडिंग दे दीजिए, जर्नल एंट्रीज, देखिए जर्नल एंट्रीज कुछ गिना चुना एंट्री है, जैसे अंडर उसमें था बोनस शेयर में था। पहला है फॉर बाइंग बैक, मतलब बाई बैक अगर आप करोगे तो क्या जनरल एंट्री होगा। हम नरेशन यहां नहीं लिख रहे, सम्स के साथ ही लिख के दिखा देंगे आपको, डायरेक्ट एंट्री लिख रहे। तो बाई बैक करने जाओगे ना उसका एंट्री आपको ये पास करने का है। पहला एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत अच्छा लगा सुन के, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है बच्चों? और अगर आप प्रीमियम में बायबैक करिएगा तो यहां पे लिख दीजिएगा प्रीमियम ऑन बायबैक, अगर प्रीमियम होता है क्वेश्चन में तो इफ एनी, और अगर डिस्काउंट में करिएगा तो लिख दीजिएगा डिस्काउंट ऑन बायबैक, डिस्काउंट ऑन क्या बच्चों? बायबैक। अच्छा भैया अगर हम 10 का शेयर 10 में बायबैक करें तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए ये दोनों जो एंट्री है ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता, ये कंबाइन एंट्री की है। एंट्री क्या होगा नॉर्मली? इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बट बाय द वे मान लीजिए प्रीमियम दे रहे हो तो प्रीमियम को डेबिट करिएगा। क्या है? क्या कि जब हम ज्यादा पैसा आपको देंगे तो मेरे लिए लॉस है ना, लॉस हमेशा डेबिट होता है अकाउंट्स में, क्या था वो डेबिट। तो कभी भी बायबैक का एंट्री मानने बोलेंगे तो नॉर्मल एंट्री यही होगा, देख लीजिएगा। अगर सवाल में प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम को डेबिट, और अगर डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट को क्रेडिट, अगर हुआ तो लिख दे रहे इफ एनी। एनी डाउट गाइस?
पहला एंट्री करना, दूसरा एंट्री गरीब का पेमेंट करिए, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट टू क्या बच्चों बैंक, बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत। तीसरा एंट्री अगर प्रीमियम होता है क्वेश्चन में तो प्रीमियम तो लॉस है, प्रीमियम क्या बच्चों लॉस, तो प्रीमियम को एडजस्ट करना पड़ता है, तो प्रीमियम को एडजस्ट कर दीजिए। प्रीमियम को जब आप एडजस्ट करेंगे कहां से एडजस्ट करेंगे, तो प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले यूज करिएगा, सबसे पहले यूज करिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या यूज करिएगा सर, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो तब देखेंगे ना, तब का बात तब देखा जाएगा, सबसे पहले यूज करिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर उसमें पैसा नहीं रहा तो यूज करिएगा जनरल रिजर्व, अगर उसमें भी पैसा नहीं रहा तो यूज करिएगा पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल रिजर्व आप पीएल में से कोई भी आप आगे पीछे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखोगे प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, क्योंकि प्रीमियम लॉस होता है ना, इसीलिए लॉस को एडजस्ट करने का एंट्री करना पड़ता है। ये हो गया बायबैक का एंट्री, ये हो गया आपका पेमेंट का एंट्री, ये हो गया आपका एडजस्ट लॉस को एडजस्ट, मतलब इसको एडजस्ट बोलिए लॉस को, लॉस मतलब प्रीमियम एडजस्ट करने का एंट्री। कोई दिक्कत है तो बोलिए, एंट्री अभी समझा रहे आपको, सवाल तो अभी बनाएंगे। पहले बताइए पहला एंट्री क्या मारने का है, एंट्री जरूरी नहीं है ऑर्डर में होगा, एंट्री आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि एंट्री का कोई सीक्वेंस नहीं है, तो अगर एक ही डेट में सब कुछ होता है, सवाल में डेट दिया भी नहीं रहता कभी कभी, तो आप एंट्री आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा एंट्री आगे पीछे करिएगा। तो अब आ जाइए पहला एंट्री बायबैक का एंट्री, समझे ये होगा, आपको बोलेंगे पेमेंट का एंट्री तो आप ये वाला बताना देख के, आपको बोलेंगे प्रीमियम एडजस्ट करिए तो ये वाला एंट्री, ये तीनों एंट्री होना ही है भाई, ये तीनों एंट्री सवाल में 99% सवाल में होना है, 99% सवाल कितना सवाल, सबसे पहले किससे पैसा निकालोगे बोलो, अगर इसमें नहीं रहा तो उसमें भी नहीं रहा तो चलो आगे बढ़ो। उसके पॉइंट नंबर फोर, चौथा सिचुएशन, कभी कभी सवाल में ना प्रिफरेंस शेयर बेचता है, प्रिफरेंस शेयर बेचता है रिडीम करने के पर्पज, मतलब बायबैक करने के पर्पज से, तो प्रिफरेंस शेयर को अगर बेचेंगे तो एंट्री होगा नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर, पूरा लिख दे रहा हूं, टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ा है, इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए इक्विटी शेयर तो बेच नहीं सकते आप, तो इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए हमेशा क्या बेचते हैं बाबू, प्रिफरेंस शेयर, एनी डाउट गाइस। और उसका लास्ट एंट्री कर दीजिएगा फॉर क्रिएटिंग सीआरआर, सीआरआर क्रिएट किया जाता है, सीआरआर का मतलब होता है बाबू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मतलब आप जो पैसा दे रहे हो कहां से निकाल के दे रहे हो, कहीं से फंड से निकाल के तो दीजिएगा ना जी, कहां से निकाल दे रहे, फंड से निकाल के दीजिएगा, तो फंड से कहां कहां से पैसा निकालिएगा, सबसे पहला तरीका है आपका निकालेगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आप पीएल में कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं आप, उसके बाद आपका पीएल अकाउंट से यूज करेंगे, अगर पीएल से भी पैसा पूरा नहीं हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया जा सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और टू होगा यहां पे सी आर आर, सी आर आर का फुल फॉर्म क्या बोलिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इतना एंट्री बेसिक एंट्री है, और सम्स के साथ जो आएगा एंट्री करेंगे हम लोग, इतना एंट्री सवाल बनाने के लिए हम लोग को आना चाहिए। हम एक बार एंट्री पूछता है बताइए, अगर बायबैक मारोगे तो एंट्री कौन सा मारोगे, ये वाला, बायबैक के बाद क्या मारोगे, पेमेंट मारोगे ना, पेमेंट, पेमेंट करने के बाद क्या करोगे, लॉस को एडजस्ट करोगे, ये जो प्रीमियम अगर आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो लॉस है आपके लिए, उसको एडजस्ट करने का एंट्री करिएगा, ये बेसिक एंट्री बता रहे हैं, और भी सवाल के साथ करेंगे, कोई दिक्कत। लॉस को एडजस्ट किससे करेंगे, सबसे पहले एसपी से, अगर एसपी में पैसा नहीं है तो जीआर, जीआर में नहीं है तो पीएल, आगे पीछे जीआर पीएल हो सकता है, ये दोनों फ्री रिजर्व है, प्रिफरेंस शेयर का बैंक टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, पसंद है ना। और अगर मान लीजिए आपको रिजर्व से पैसा निकाल के शेयर खरीद रहे होगा तो पहले कौन सा रिजर्व से निकालोगे, फिर किससे, फिर अगर जरूरत पड़ा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये बार बार वही बात, जनरल रिजर्व और पीएल दोनों में से कोई आगे पीछे कर सकते हैं आप, क्योंकि जनरल रिजर्व पीएल दोनों फ्री रिजर्व होता है। पहले आप एंट्री उतारिए फिर तुरंत सवाल बना के आपको दिखाते हैं, प्लीज एंट्री उतार लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चों,
ओके बाबू एंट्री उतार लिया आप लोग, चलिए सम्स करते हैं। चलिए तो अब हम लोग करते हैं सवाल में, सवाल हमने पीडीएफ भेज दिया है और जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हो आप लोग प्लीज टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा और टेलीग्राम में सारा लिंक देखते रहिएगा प्लीज, और क्लास भी रेगुलर क्या करिए। देखिए ग्रुप में भेज दिया बाबू, हम इस ग्रुप में भी भेज दिए और टेलीग्राम में भी भेज दिए, आप लोग जो लोग ऑनलाइन क्लास करिएगा ना वो लोग प्लीज एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ भेज दिया, दो बार भेज दिए, क्या हो गया बताइए, दो बार भेज दिए, देखिए रेडी। चलिए तो इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, इतना आपको प्रैक्टिस करना नहीं क्योंकि यही टाइप के सम्स है, एक तो हम बना रहे एक तो आप बनाना बना के लाना घर से, बस आ जाओ देखते हैं। डिलाइट लिमिटेड रेडी ना, रेडी, ये पहला क्वेश्चन है बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, डिलाइट लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक 60,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके। पहले समझते हैं बैकग्राउंड को, डिलाइट लिमिटेड डिसाइड किया कि हम लोग बायबैक करेंगे, कितना शेयर बायबैक करेंगे भाई 8.5 शेयर, क्लियर है यहां तक बच्चों, कौन सा शेयर करेंगे बताइए, इक्विटी शेयर, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अभिषेक पीडीएफ मिला आपको, अभिषेक से ले लीजिए, मिला नहीं मिला अभी दे दीजिए थोड़ा। उसके बाद द कंपनी हैज 90,000 रिजर्व, कंपनी का रिजर्व में 90,000 था और कंपनी का पीएल में 80,000 रुपया था, अरे वाह, कंपनी का रिजर्व में 90,000 था, कंपनी का पीएल में 80,000 था, फॉर दिस पर्पस सॉरी कंपनी 60,000 शेयर को बायबैक किया 10 रुपया करके, हम लाइन को स्किप कर गया बहुत सारा, डिलाइट लिमिटेड डिसाइड किया बायबैक करेंगे 60,000 शेयर, कितना शेयर बच्चों 8.5, और 10 रुपया का शेयर था जी, कितना रुपया का बताइए 10, प्रीमियम 25% मतलब 25% एक्स्ट्रा में बायबैक कर रहा, मतलब 10 का सामान 12.5 में बायबैक कर रहा, 10 रुपया का 25% कितना बढ़ाई, तो 12.5 रुपया करके वह बायबैक कर रहा, वाह अगला वाह। फॉर दिस इट इश्यूज, इस पर्पस के लिए वो इश्यू किया 5,750% प्रीफरेंस शेयर, सर 7.5% सारे प्रीफरेंस शेयर जो होता है ना बाबू उसका नाम है 7.5%, का नाम क्या है 7.5%, 7.5% का आपके लिए कोई यूज नहीं है, प्रीफरेंस शेयर 7.5% वाला बेचा है समझे ना, 5,000 पीस बेचा है 100 रुपया करके बेचा है, पार में, पार में कैसे बेचा है बाबू, पार में, पार मतलब 100 का सामान 100 में, मतलब बायबैक करने के पर्पस के लिए 5,000 शेयर हम लोग बेचे हैं, कहां से बेचे बताइए, प्रीफरेंस शेयर, कौन सा शेयर, अच्छा बताइए इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए प्रीफरेंस शेयर का पैसा यूज कर सकते कि नहीं कर सकते, अभी पढ़ाई थे देखे रूल याद आ गया, समझे कि नहीं समझे बोलिए, इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए प्रीफरेंस शेयर का पैसा यूज होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया, और कंपनी के पास 90,000 जर्नलिज्म में था, 80,000 पीएल में था और 1,20,000 कैपिटल रिजर्व में था और 1,00,000 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में था, ये सब रिजर्व होता है कंपनी का, तो कैपिटल रिजर्व यूज नहीं किया था इस पर्पस के लिए, इट डिसाइडेड टू यूटिलाइज पीएल एंड रिजर्व गिव जनरल एंट्रीज ऑफ द अबव, आपको जनरल एंट्री देना है, बैकग्राउंड समझ गए होंगे आप सवाल का, हम बनाते हैं देखिए अप्रोच, देखिए हम पूरा सवाल बनाएंगे, देखो सबसे पहले वर्किंग नोट वन, सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले ये निकाल लीजिएगा कि आपको कितना पैसा का दरकार है, सबसे पहले ये निकाल लीजिएगा कि कितना पैसा आपको रिजर्व से चाहिए, तो देखिए कितना कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट कितना, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ CRR टू बी क्रिएटेड, सबसे पहले ये लिख लीजिएगा कितना CRR आपको क्रिएट करना है, सबसे पहले ये लिख लीजिएगा कितना CRR आपको क्रिएट करना है, देखिए CRR क्रिएट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, जितना आप बायबैक करने वाले हो उसका फेस वैल्यू लीजिएगा, भैया फेस वैल्यू मतलब अगर 10 का सामान है 15 में बेच रहे तो फेस वैल्यू 10 ही हुआ, 10 का सामान है 15 में बेच रहे हैं तो फेस वैल्यू कितना होगा 10, कितना होगा बच्चों, तो सुनिए ये कंपनी बायबैक कितना शेयर किया है 8.5 ना, और एक शेयर का दाम था 10 लेकिन बायबैक किया है 25% एक्स्ट्रा मतलब 12.5, तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करिएगा ना यहाँ पे 12 लीजिएगा ना 10 लीजिएगा बताइए 10 क्या लेंगे, अब समझे हम क्या बोले बाबू, ये कहां से है समझे, ये कहां से है समझे,
बाबू समझे कहां से आया, फिर से बोले क्या बाबू? अरविंद समझ रहे बाबू, कभी का समय आ रहा, 60,000 शेयर है और 10 लेंगे या 12.5 बताइए, 10 की 12.5 10 ले लिए, 10 मतलब हमको दरकार है 6,00,000 का, वो मांगो कितना दरकार है बताइए, 6,00,000 का, कितना दरकार है 6,00,000, इसमें से लेस कर दीजिएगा जो शेयर आप बेचे हो, आप बेचे हो उस बेचारे के लिए आप बेचे हो 7.5% प्रिफरेंस शेयर बेचे हो ना, 7.5% उसका नाम है, नाम का कोई यूज नहीं है, कितना पीस बेचो देखो उसमें लिखा होगा 5,000 पीस, और 100 रुपया के बेचो ना, 100 रुपये के बेचे हो ना बोलो, तो 5,000 × 100 कितना होगा जी, 5, तो देखिए अगर 5,000 आदमी 100 रुपया के देगा तो 5,00,000 हो जाएगा मेरे पास, 5,00,000 माइनस कर दिए, अभी हमको कितना रुपया दरकार है और बताइए, हम 6,00,000 रुपया का बाई बैक करेंगे तो 6,00,000 रुपया तो देना होगा ना बाबू, 6,00,000 देने के लिए प्रिफरेंस शेयर बेचा है 7.5%। अच्छा सर अगर मान लीजिए प्रिफरेंस शेयर से पैसा पूरा हो जाता तो रिजर्व से नहीं निकालते, एक बार बताइए आदमी पड़ोसी का घर में कब जाता है, एक्सीलेंट, जब अपना घर में सामान ना है, अगर आपका घर में अपना घर में नमक हल्दी मिर्चा सब है तो क्यों पड़ोसिया, कुछ आदमी का चरित्र का हिस्सा होता है बेटा पड़ोसिया घर में आएगा, अपना घर में सामान है, जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा होता है, हम लोग आप लोग लाइफ में भी ऐसा होता है, क्या होता है जैसे हम लोग सम्स बना रहे हैं, आपको भी हम शीट देंगे ना, अभी सपोज आप लोगों को कोई चीज का शीट दिए प्रैक्टिस करने के लिए, पेपर मॉडल पेपर देंगे आप देखना, आपके पास पेपर है फिर बगल अलग पेपर ऐसे देखते रहोगे, अरे भाई अपना पेपर में देखो, लेकिन नहीं हम लोग आदत हो गया बगल अलग घर में झंडे का रहते, अपना जिंदगी में क्या चल रहा प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा का घर में क्या हो रहा वो मतलब आप दाल रोटी खा रहे आपको मतलब नहीं है, बगल वाला चिकन का खा ली आपको उससे चिंता हो रहा है, तो चिकन का खा लिया उसके घर में चिकन का आ गया, उसके घर में मटन का आ गया, कोई तकलीफ यहाँ भी है, तो आई बात बताइए अगर कॉमन सेंस, अगर मेरा प्रिफरेंस शेयर से 7,00,000 होता कोई दिक्कत नहीं है, हमको रिजर्व बनाना होगा क्या, तो बाबू डब्बा में से रिजर्व मतलब क्या, इमरजेंसी में यूज करेंगे, रिजर्व मतलब क्या, जैसे आपके घर में ही मान लीजिए पिताजी 10,000 रुपये रखे हुए घर में, तो 10,000 पिताजी बोलेंगे तो इमरजेंसी के लिए रखे, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा घर में कुछ वैसा दरकार होगा तब उसको इस्तेमाल करेंगे, तो इमरजेंसी का पैसा लास्ट मोमेंट में यूज किया आता है, तो आपको 6,00,000 चाहिए था, लेकिन दोनों का फेस वैल्यू याद रखिएगा, कौन सा वैल्यू बाबू, चाहे वो 12 में बेचे 15 में बेचे हमको मतलब नहीं, अगर ये 110 में भी बेचता है ना हम लोग यहाँ पे 100 ही लेते, कितना लेते बच्चों, याद रखिए थोड़ा याद रखिएगा प्लीज, अभी बहुत समझ बनाएंगे, 6,00,000 - 5,00,000 कितना होगा बच्चों, 1,00,000, 1,00,000 रुपया हमको चाहिए, 1,00,000 का हमको बनाना होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, याद रखिएगा 1,00,000 रुपया का हमको रिजर्व बनाना होगा, पर भैया ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए पैसा कहां कहां से निकालेंगे, तो पहला तरीका है आपके पास जनरल रिजर्व, देखिए तो जनरल रिजर्व में पैसा कितना है, 90,000 नहीं बोलिएगा, और कितना चाहिए बोलिए, 10,000 चाहिए ना जी, अब पीएल है क्या, है पीएल, पीएल से कितना लेंगे, 10,000 हो गया, क्लियर है, बस यही है वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट आप हमेशा बना लीजिएगा, जब भी सवाल बना लीजिएगा ना वर्किंग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं है जो है वर्किंग नोट में, समझे कि नहीं समझे बोलिए, किसी डाउट तो बोलिए प्लीज फायर द क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हम लोग लास्ट मोमेंट का बैच में कर रहे हैं, तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं कि एक बार पढ़ने का फिर आप दोबारा पढ़िएगा, तो जो होगा ऑन द स्पॉट होगा, समझे ना, तो पढ़ते जाइए समझते जाइए, अगर में हो सके तो एक दो जो भी समझेगा तो बनाते जाइएगा साथ साथ, इससे क्या होगा कोई डाउट है तो क्लियर कर पाएंगे, और अब बार बार कंफ्यूज बार बार वीडियो देख लीजिएगा, ये हो गया याद है समझे, ये था वर्किंग मोड, हमको 60,000 शेयर 10 रुपया करके 6,00,000 / 12 में बेचाना, अरे इससे क्या मतलब है आपको, फेस वैल्यू से मतलब है, 7.5% प्रिफरेंस शेयर बेचा है उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, इस बेचारे को कितना मानता है, 5,00,000 रुपया इसमें से मिल गया, 1,00,000 रुपया और चाहिए, अगर मान लीजिए 10,00,000 बेच करके आया था प्रिफरेंस शेयर को तो कोई दिक्कत नहीं, तब हम रिजर्व बनाते क्या, नहीं, हम लोग ये वर्किंग नोट में ये निकालते हैं कि वो रिजर्व से कितना दरकार होगा बस, तो हमको चाहिए कितना, 1,00,000, 1,00,000 रुपया का हमको क्या बनाना होगा बताइए, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, लेकिन कहां से बनाएंगे बताइए, कहां से बनाएंगे, पहले यूज करेंगे जीआर 90,000 खत्म हो गया, और चाहिए 10,000 कहां से लेंगे बताइए, पीएल, अच्छा और अगर दरकार होता तो मान लीजिए पीएल भी खत्म हो जाता तो क्या यूज करेंगे, सिक्योरिटी उतारिए फिर जनरल एंट्री करेंगे फिर घर चले जाएंगे हम लोग, देखिए हो गया ना सबका अमन हुआ बाबू, देखिए आइए सज्जन उतार लिए, देखिए देखिए बनाने जा रहे, अब ये जनरल एंट्री माना है, हम इस बार जो एंट्रीज लिखेंगे उसमें नरेशन भी लिखेंगे, क्योंकि पहला सम्स है उसके बाद से नरेशन भी लिखेंगे, आपको एग्जाम में नरेशन लिखना है तो देखो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ नाम क्या कंपनी का बोलो, डिलाइट लिमिटेड, हम पूरा प्रॉपर्टी कर रहे हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे बच्चों क्या बोलो जर्नल एंट्रीज, यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे प्यार से
एक सुंदर सा फॉर्मेट, यहां पर क्या होगा बाबू डेट, यहां क्या बोलिए पर्टिकुलर्स, यहां पर क्या बोलिए एलएफ, इधर पर ही डेबिट और क्रेडिट। फॉर्मेट सब इजी है लेकिन एंट्रीज बहुत ज्यादा है इसमें कंपनी अकाउंट्स में। आइए रेडी, चलिए सबसे पहले कोई भी एंट्री कर सकते हो आप, वैसे कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं। तो पहले चलिए बायबैक का एंट्री कर लेते, आप देख देख के बोलेंगे हम यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर, आप मिलाएंगे कि हम सही लिख रहे कि नहीं लिख रहे, इससे आपको समझ आएगा कि हाँ यही एंट्री कैसे यूज करना है। इसको एंट्री सामने खोल लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर राइट। पहले हम नॉर्मल एंट्री लिख लेते हैं। तो बाबू देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, देखिए 60,000, प्लीज इधर देखिए, इधर देखिए हमारे में कंफ्यूजन होगा। 60,000 कैपिटल में ना हमेशा फेस वैल्यू लीजिएगा, कौन सा वैल्यू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है दोस्त 10,500 इन डाउट गाइस। लेकिन पता है जब आप पैसा उसको देंगे तो 10 रुपया नहीं देंगे, 25% एक्स्ट्रा, मतलब कितना बोली तो 12.5। समझ रहे हो बाबू, कंसेप्ट समझ आ रहा है, सरदा समझ आ रहा है आप लोगों को, बच्चे लोग देख देख रहे 12.5, बताओ कितना होगा 7.5 लाख। जब अब अकाउंट्स तो गलत हो गया, क्योंकि अकाउंट्स क्या कहता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होना चाहिए बराबर, यस और नो, हाँ कि नहीं, यस और नो। तो बाकी 1.5 लाख रुपया मेरा लॉस है, लॉस क्या है बाबू लॉस, ये 1.5 लाख रुपया आपका लॉस है, और इसको आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक। देखिए कोई बच्चा ही बता रहे आप लोगों से प्रीमियम ऑन बायबैक, सर थोड़ा हिसाब करके दिखा देते लीजिए ना, 60,000 × 2.5 रुपये कोई दिक्कत। हम पहले बोले एंट्री जब आप लिखते हो ना उससे इजी सवाल होता है, खाली समझना होगा एक बार। नरेशन में लिख देंगे बी 60,000 शेयर्स बॉट बैक, उतना हाईफाई नरेशन लिखना दरकार नहीं है, क्योंकि वहां पे आप टीचर आपका एंट्री एंट्री चेक करेगा, नरेशन नहीं, बस नरेशन होना चाहिए, शोभा सुंदर है नरेशन बाबू, शोभा सुंदर समझे ना। जैसे किसी का शादी में अगर आप गिफ्ट नहीं भी लेके जाएंगे तो खाना तो देगा, गिफ्ट लेके आते देखने में अच्छा लगता है, और एक तो गिफ्ट लेके आए 10 बार लेके आएंगे ऐसे ऐसे, एक तो लेके आए अब इसका पेमेंट नहीं करा, अब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कैसे करेंगे देखिए, रुको रुको हबड़ाओ मत छापो मत यार, इक्विटी शेयर होल्डर छाप छाप के तो हम बाइक में आ गए, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट मैं कह रहा हूं दिक्कत मत लीजिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट तो क्या बाबू बैंक, कितना रुपया पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 7.5 लाख डेबिट और 7.5 लाख क्रेडिट, कोई दिक्कत दोस्तों। यहां पर लिखेंगे बीन क्या, बीन क्या पेमेंट क्या मेड, एनी डाउट गाइस, बीन पेमेंट मेड हो गया। इसके बाद ये जो प्रीमियम है ना, ये जो प्रीमियम है ये तो लॉस है, इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के लिए 1.5 लाख रुपया आपके पास चाहिए। तो आप देखिए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1.5 लाख है, 1 लाख आपका, 1 लाख कितना है 1 लाख आपका, देखिए लॉस को एडजस्ट कर, ये 1.5 लाख आया ना बाबू, ठीक है सिक्योरिटीज प्रीमियम में पहले देखो ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक होता है उसको एडजस्ट करिएगा, लॉस को एडजस्ट कर लीजिएगा, उसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले यूज करिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस है, देखिए 1 लाख है, और जनरल रिजर्व तो पूरा ले चुके पहले ही, ये सर नो, पीएल में कितना बैलेंस है, देखिए 80 था, 10 यूज किए थे, 70 अभी भी है ना, तो उसमें से ले लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम हो रहा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस अमाउंट, समझने में सुविधा होगा, बैलेंस कितना होगा 50, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो बाबू एक बार प्लीज, दिक्कत है तो बोलिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम से उसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन अगर पैसा शॉर्ट हो गया तो पीएल, अगर शॉर्ट हो गया तो जनरल रिजर्व तो खत्म हो चुका है पहले, तो पीएल में भी बचा हुआ पैसा है, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ये बात देखिए एंट्री यही कहते हैं हम लोग, प्रीमियम देखिए बी प्रीमियम एडजस्टेड, प्रीमियम को क्या कर दिया वो एडजस्ट 1.5 लाख रुपया, कोई दिक्कत है तो बोलिए प्लीज, नहीं दिक्कत है। चलिए अब आते हैं, 3 क्वेश्चन एंट्री हो गया, चौथा नंबर एंट्री बाबू प्रिफरेंस शेयर तो बेचे हो ना आप, प्रिफरेंस शेयर बेचे हो तो उस गरीब का एंट्री नहीं मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट उसके बाद मारना, 2.5% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, बार बार बोल रहे 7.5% उसका नाम है, इंटरेस्ट मत निकाल दीजिएगा सम्स में, तो 5,000 शेयर × 100 रुपया करके 5 लाख, हिसाब तो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, देखिए 5 लाख कोई दिक्कत बच्चों। यहां पे लिखेंगे बीन बीन 7.5% प्रिफरेंस शेयर इशूड, सिंपल में इशूड। लास्ट एंट्री रिजर्व बनाने का, आपने वर्किंग नोट में देखना कि आपने कौन कौन सा रिजर्व यूज किया है, आपने रिजर्व यूज किया है सबसे पहले जनरल रिजर्व, कितना यूज किया बताओ 90,000,
और आपने यूज किया है बीयर, कितना यूज किया बताओ? 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट डेबिट 10,000 ना, तो उसके बाद आपका क्या बन गया है सी आर आर, पूरा लिख लीजिएगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना बाबू 1,00,000। सवाल खत्म हो गया, सी आर आर क्रिएटेड, सी आर आर क्रिएटेड इसके नीचे लिख दीजिएगा वर्किंग नोट 1, ठीक है कॉपी करिए खत्म हो गया सवाल। किसी को डाउट है तो पूछिए प्लीज। राइटिंग समझ में दिक्कत हो कुछ नहीं जाए थोड़ा स्पीड स्पीड में लिखिए। बोला